हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज पे। यदि आप सारी जानकारी हिंदी में लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैपनेक्सपा टैबलेट। इसकी हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि मैपनेक्सपा टैबलेट का क्या कार्य है, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसका क्या प्राइस है मार्केट में और इसको कब लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसको ओमेगा फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया कंपनी है। अब बात करते हैं कि इसके मैपनेक्सपा के अंदर मॉलिक्यूल कौन सा है। मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके अंदर मुख्यतः मॉलिक्यूल है मैफेनमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड है। यानी कि बात करते हैं तो इसके अंदर दो ही मॉलिक्यूल डाला गया है, मैफेनमिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। अब मैफेनमिक एसिड की बात करें तो ये 250 mg में अवेलेबल है और डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो इसके अंदर 10 mg में ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है, यानी डाइसाइक्लोमीन मैफेनमिक एसिड का कार्य क्या है। इसका कार्य देखें तो ये एक पेट दर्द के लिए उपयोग किया जाने वाला टैबलेट है, और यदि आपको पेट दर्द हो तब आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। और पेट दर्द के अब इसके डोज की बात करते हैं, यानी कि कैसा तो इसका डोज रहता है। यदि 5 साल से 10 साल के हैं तो इसको आधा टैबलेट ले, और यदि 10 साल से बड़ा रहें तो एक पूरा टैबलेट ले और सुबह शाम इस टैबलेट को ले सकते हैं। और जब भी आप इस टैबलेट को लेते हैं तो खाने के बाद ही इस टैबलेट का उपयोग करें, नहीं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि मैपनेक्सपा टैबलेट के साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट की बात करें तो अभी तक इसका कोई इतना मुख्यतः साइड इफेक्ट देखने को नहीं है, और यदि होता है तो जैसे कि गैस बनना, एसिडिटी होना, ये इसका नॉर्मल सा सामान्यतः साइड इफेक्ट है जो कि 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। और यदि इससे अगर ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसका उपयोग करें। और अभी बात करते हैं कि इस टैबलेट का डोज भी हो गया और इसके प्राइस की बात करें तो है एक 10 गोली का स्ट्रिप रहता है पूरा, जिसकी मार्केट में प्राइस है 30 रुपये, जो कि हमें हर एक मेडिकल स्टोर पर ही आसानी से मिल सकता है। और यदि आप पेट दर्द से परेशान हो, यदि आपको पेट में दर्द हो रहा हो, तब आप इस टैबलेट को उपयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर मॉलिक्यूल तो मैंने पहले बताया, 2 ही मॉलिक्यूल डाला गया है, इसकी उपस्थिति भी बताई गई है। और इस टैबलेट को लेते समय इसके साथ आप गैस का टैबलेट भी ले सकते हैं, ताकि आपको इसका रिजल्ट देखने को अच्छा मिल सके। और गैस के टैबलेट में आप ओमी ले सकते हैं, ओमिडी ले सकते हैं, ओमिज ले सकते हैं, पेंटोसेंट ले सकते हैं, आदि इसके साथ आप टैबलेट को ले सकते हैं। और ये पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इसका डोज भूल गए हो तो क्या करें। यदि आप इसका डोज भूल गए हो तो जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ले लें, और यदि अगले डोज का समय हो गया हो तो पिछले डोज को छोड़ दें, ना कि अगले डोज को डबल करें। यदि आप अगले डोज को डबल करेंगे तो इसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। चलो दोस्तों, इसके बारे में इतना ही काफ़ी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सकें।